सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है आई गेस 8 मई, तो चलिए इस नए व्लॉग को शुरू करते हैं। पहले तो कल का व्लॉग किसने नहीं देखा वो मुझे बताओ, क्योंकि यार नहीं देखोगे तो मैं डेली व्लॉग बनाने का मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर रोज रोज देखोगे तो मेरे को मजा आएगा थोड़ा मेरे को भी देखने, मतलब अगर फर्स्ट 3-4 आवर्स में 45-50 व्यूज मिलते हैं मुझे, मतलब 3-4 घंटे में अपलोड करने के बाद, तो मेरे को कुछ थोड़ा खुशी होगी कि हाँ यार बहुत व्यूज आ गए। मेरे हिसाब से बहुत हैं वो, मैंने बोला ना दिन के मेरे को 150 चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और हर ब्लॉग में 120 से 150 व्यूज मिल जाएंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी दिल से कि हाँ लोग मेरा कॉन्टेंट देख रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ ब्लॉग में, तो यार आप ही बताओ ना डेली ब्लॉग क्या ही होते हैं। अब डेली ब्लॉग्स के लिए मेरे पास इतने लोग तो हैं नहीं घर में कि मैं भरपूर कॉन्टेंट दे पाऊँ, तो आप लोग को थोड़ा मैच्योर कॉन्टेंट ही देखना पड़ेगा। मैच्योर इन द सेंस की बातें ही सुननी पड़ेंगी मेरी, कि मेरे को जानो ना यार, मेरे लिए ब्लॉग देख रहे हो, मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो ये क्या होता है, बोरिंग कुछ नहीं होता है ना। आपको मेरी बातें जाननी, मुझे जानना है, क्योंकि ब्लॉग्स भी मेरे हैं। अब कई लोग क्या मैं देखे होंगे जो घर में बनाते हैं, जैसे कि कई लोग डेली ब्लॉग्स, तो वो भी तो बोर ही करते हैं, लेकिन क्यों लोग देख रहे हैं, उनको व्यूज़ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो फेमस हैं है ना, उनको लोग जानते हैं। ऐसे ही मोटो ब्लॉग्स का ले लेता हूँ मैं उदाहरण। मोटो ब्लॉग्स में यार मैंने कई देखे, 6-6 पड़े हैं लाइन से, उसमें कुछ नहीं है, बीच में एक दो बार रुकते हैं वो लोग कहीं ना कहीं चाय पानी करने के लिए, वहाँ थोड़ा बहुत कंटेंट मिलता है, बाकी पूरा बाइक चल रही है है ना, पूरा जंगल दिखा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ दिखा रहे हैं, तो वही तो है और क्या है। मैं भी ट्राई करूँगा कभी ना कभी, बीच में जैसे हफ्ते में 1-2 व्लॉग ऐसे आएंगे जिसमें कॉन्टेंट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर व्लॉग्स तो ऐसे ही मिलेंगे ना यार, जिसमें मैं बातें ही करूँगा और कुछ ना कुछ दिखाऊँगा घर का, बीच में भी जाऊँगा कहीं ना कहीं। तो चलिए फिलहाल तो अभी देखता हूँ, नहाने धोने के लिए जाना है, प्लस संगम को बुलाया है पापा ने वेयर हाउस भेजने के लिए किसी काम से, तो संगम भी आने वाला कुछ देर में। अभी मैंने फ़ोन किया था तो वो बोल रहे हैं कि मैं बस स्टैंड में हूँ, मतलब अपने बस स्टैंड बहुत ही वाले नहीं, तो वहाँ से मुझे बस नहीं मिल रही है, तो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलिए उसका वेट करता हूँ, फिर मैं जाऊँगा वेयर हाउस। जब तक के लिए आप बने रहिए इस ब्लॉग में। हम यहाँ पर पापा के किसी काम से वेयर हाउस आए हुए हैं, वही काम देखने के लिए अभी हम समझ रहे हैं। माल जितना भरा रहा है वेयर हाउस के अंदर पूरा हो, अगर मैं यहाँ पर काफ़ी देर से पापा का वेट कर रहा हूँ पर पापा अभी तक आए नहीं हैं यहाँ पर। यहाँ पापा जी आ चुके हैं और सबको काम समझा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, तो वही चीज़ें हम लोग भी खड़े होकर सुन रहे हैं। और मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा नीचे से कर रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना सबके सामने कैमरा निकालना, और ज़्यादातर यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग ही थे, और बुज़ुर्ग नहीं कह सकते मतलब थोड़े बड़े लोग सीनियर्स थे, तो उनके सामने कैमरा निकालना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नीचे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो यहाँ पर बैठकर सभी लोग वेट कर रहे हैं कि वेयर हाउस की चाबी कब आएगी, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। फिर कुछ देर के बाद फाइनली चाबी आती है और हम वेयर हाउस खोल के वेयर हाउस के अंदर जाते हैं। ये देखिए वेयर हाउस के अंदर का सीन कल देख सकते हैं आप लोग मेरी, अभी जस्ट मैं वेयर हाउस से लौट के आया हूँ संगम को वहाँ पर छोड़ के, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। पहले सुबह तो इतनी गर्मी नहीं थी, अभी थोड़ी गर्मी लग रही है, मैंने नहाया भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ अभी नहाने के लिए जाऊँ या तो फिर वहाँ से लौट के ही नहाऊँगा, वैसे तो नहा लेना चाहिए और नहा के कुछ खाऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा दोबारा वेयर हाउस वहाँ संगम के पास। नहाने धोने का टाइम तो नहीं मिला, बट मुँह हाथ धो के मैं दोबारा जा रहा हूँ वेयर हाउस, अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, चलिए वेयर हाउस में जाके मिलूँगा। अभी मैं वेयर हाउस जा ही रहा था कि मैंने देखा बाइक मेरी एकदम से बहक गई, अब क्यों बहक गई इसका रीज़न ये चका है शायद, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं कहीं जा रहा था, शायद मैं संपर्क के लिए जा रहा था स्कूल के, तब मेरे से बोला था बाइक वाले भैया ने, जब मैं हवा भरवाना गया तो वो बोल रहे थे कि बेटा ये चका ही ख़राब है, चका बदलवाना पड़ेगा, इसमें कट्स हैं बहुत सारे, ये आपको दिखाता हूँ, तो अभी इस तरीके से कट गया पूरा टायर, ये बदलवाना पड़ेगा, ऐसा बाइक वाले भैया बोल रहे थे। तो फाइनली सभी लेबर मजदूर भी वहाँ पर पहुँच गए और जो वेयर हाउस का काम होता है वो चालू हो चुका है, और वही मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं चारों तरफ गेहूँ ही गेहूँ है, ट्रैक्टर्स हैं, और कैमरा थोड़ा हिल रहा है उसे माइंड मत कीजिएगा। यहाँ पर इन बोरियों में राई या सरसों आप बोल सकते हैं, सरसों भर के जमाए जा रहे हैं। ये तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये कोई भूत बंगला नहीं है या फिर किसी भूत के घर के अंदर नहीं जा रहे हैं, ये सामान जब पूरा अनाज जब जम जाता है वेयर हाउस के अंदर उसका सीन है, कुछ ऐसा लगता है डरावना सा सीन, बिल्कुल गुफाओं की तरह। और अभी हम लोग जा रहे हैं पन्नी ढूंढने के लिए, पन्नी मतलब वो जो ज़मीन में बिछाने के लिए, ताकि अगर बोरियां फटती हैं बाय चांस चूहे उसे काट देते हैं तो वो अनाज ज़मीन में न गिरे, उन तिरपाल और पन्नी के ऊपर गिरे, तो उसे हम दोबारा उठाकर री यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही पन्नी,
तिरपाल जो हमें मिल चुकी है, इसे उठाकर हम आगे लेकर जाएंगे। कहाँ गया राधे इसमें, इतना ही है बहुत। तो एक बात बोलिए, कितनी ज्यादा डर लगी है? एक दो तीन से पांच, मैंने बोला कि दो घंटे बाद। अब यहाँ पर ट्रक से माल उतर के और हम यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक करके अपने वेयर हाउस के अंदर इसको स्टोरेज कर रहे हैं, भर रहे हैं। क्रॉस चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वज़न बोरियों का कम होता है और हमें जेब से भी भरना पड़ जाता है, क्योंकि काम तो आखिर इंडियन है सरकारी, इसलिए इसे क्रॉस चेक कर रहे हैं, वज़न कर रहे हैं। ज़्यादा खपड़ भंजक का काम है, इतनी धूप इतनी गर्मी में आप देखो दूर दूर तक कुछ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है और यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी गेहूं के बीच मिट्टी मिली थी, उसके लिए हम लोग बात कर रहे थे, वो भी लड़ाई जैसे करने लगे। मैं रिकॉर्ड करने की सोचा था बट नहीं किया, ठीक है अभी देखो क्या होता है आगे। हाउस से लौट के मैं इतना थक गया था कि मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाया, डायरेक्ट नहाया और खाना खाया। खाना खाने के बाद अभी मैं जस्ट थोड़ा बहुत फ्री हुआ हूँ क्योंकि मेरे को दोबारा पापा का कॉल आ सकता है वेयर हाउस जाने के लिए, तो मैं दोबारा वहाँ पर जाऊँगा। फिलहाल जब तक के लिए तो कूलर चालू करके सोऊंगा कुछ देर, जब तक के लिए गुड नाइट। जन्नत। सो मैं सो रहा था पर अचानक पापा ने मुझे बोला कि जाओ वेयर हाउस, अभी वहां पर लॉक वॉक करवा के आना है, तो उसी के काम से मैं जा रहा हूँ। फिलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ज्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं सीधे वेयर हाउस पहुंच कर ही रिकॉर्डिंग चालू करूंगा। वेयर हाउस पहुंचने के बाद सब कुछ लॉक कर दिया हमने और ये मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अब घर में कोई नहीं है, अभी मैं लौट कर आ चुका हूँ वेयर हाउस में, ताला वाला सब लगा के, और मम्मी पापा भी कहीं बाहर गए रिलेटिव्स के यहाँ, कोई नहीं बचा। तो मैं अब मैच देखूंगा, खाना खाऊंगा और उसके बाद सोऊंगा, नहीं शायद कुछ व्लॉग और रिकॉर्ड करूँ अगर कुछ अच्छा मिला तो, बाकी फिर देखते हैं क्या करना है। फिलहाल मैं किचन में हूँ और पोहे की नमकीन बना रहा हूँ, आप लोगों ने खाया चूड़ा बोलते थे उसको, वो मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मखाना है, ये पोहा है, ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, अब देखते हैं और क्या होता है। पहले चूड़े बन गए थे यार, नमकीन रात का जुगाड़ मेरा हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ये मैंने दवाई लगाई हुई है, रो नहीं रहा हूँ मैं, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। और कमेंट करिए यार, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहे हैं व्लॉग्स, तो मैं ऐसे कंटिन्यू रखूँ ना रखूँ, तो फीडबैक चाहिए मेरे को, है ना। और अगर बोर हो तो वो भी बता देना, क्योंकि बोरिंग तो लगेगा, जब तक मैं कंटेंट नहीं लाऊंगा तो बोरिंग तो लगेगा, क्योंकि मेरी बातें सबको पसंद नहीं आती, जिनको पसंद आती वो तो देख रहे हैं रेगुलर व्यूज वीडियो मेरी, तो जिनको नहीं पसंद आ रहा वो कमेंट करें, फीडबैक दें, क्या लेकर आऊँगा अपने ब्लॉग्स में वो भी मेरे को बताएं, तो मैं वो सब करने की कोशिश करूँगा। जब तक लिए गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।